नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स और अपने चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ ऐसी बातें जिससे आप पैसे को बचाकर पैसे को बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन को अवेल कर सकते हैं। ऑल्दो मैं LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास किसी और कंपनी का इंश्योरेंस प्लान है तब भी ये बातें उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगी। जब हम लोन लेने की बात करते हैं तो टिपिकली लोग पर्सनल लोन लेने के लिए देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में मुझे कैसे पर्सनल लोन मिल सकता है, और उस केस के अंदर LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी और इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेना काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन केसेस के अंदर कम होता है। जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने अपने चैनल पर कई वीडियोस बनाए हैं कि इंश्योरेंस इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस में पैसा डालने पे आपको टिपिकली 4-6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, शेयर्स में या इंफ्रा बॉन्ड में पैसा डालते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, वहां पे आपका पैसा ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने कभी इंश्योरेंस के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट के रूप से डाला है तो आप उसके अगेंस्ट लोन लेने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब मेरे चैनल पे जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उनमें कई बार ये शेयर किया है कि दो पैरामीटर होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी किस तरीके की पॉलिसी है। बोनस लिंक और मार्केट लिंक दो ऐसे पैरामीटर हैं जिसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपकी पॉलिसी एक टर्म प्लान है, एक यूलिप प्लान है या फिर एक एंडोमेंट बेस्ड प्लान है। आइडियली जब हम लोन लेने की बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट, तो वो सिर्फ आपको एंडोमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट मिल सकता है। टर्म प्लान और यूलिप प्लान के अगेंस्ट टिपिकली आपको लोन नहीं मिलता है, लेकिन आपके केस में लोन एप्लीकेबिलिटी क्या है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर ये क्लियरली लिखा होता है। अब जैसे कि वीडियो में मैं शुरू में बात करी थी कि जब हम इंश्योरेंस के अगेंस्ट में लोन लेने की बात करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन के कंपैरिजन में कम रहता है, लेकिन कितना इंटरेस्ट रेट आपको लग सकता है, कितनी लोन की एप्लीकेबिलिटी रह सकती है, कितना क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, इन सबको शेयर करूंगा आज के वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंश्योरेंस के अंदर की हुई इन्वेस्टमेंट से आपको 4-6% का रिटर्न ही मिलता है, जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टिपिकली आपको 12-15% का रिटर्न मिल सकता है, और पीयर टू पीयर लेंडिंग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने पे भी आपको 9-10% का रिटर्न आराम से मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं एक नए इंश्योरेंस प्लान लेने की, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक एंडोमेंट टाइप का प्लान लीजिए। हमेशा आप इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की नजर से देख के प्योर टर्म प्लान लीजिए जो कि आपका प्योर रिस्क कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी को लेने जाते हैं तो आप जो इंश्योरेंस लेते हैं वो सिर्फ गाड़ी की सुरक्षा के लिए लेते हैं, वहां पर हम रिटर्न की उम्मीद नहीं करते हैं। यूलिप प्लान्स वो प्लान होते हैं जहाँ पे आपका पैसा मार्केट में लगाया जाता है, वहाँ पे टिपिकली आपको रिटर्न्स मार्केट से रिलेटेड मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस और बाकी चार्जेस लगा के आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल रिटर्न एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स या अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी कम रहते हैं। अब हम बात करेंगे टिपिकल गाइडलाइंस और क्या क्या ऐसे पैरामीटर हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट लोन को। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि पर्पस क्या है लोन का। तो आप जब एप्लीकेशन डालते हैं वहाँ पे आपको पर्पस करना पड़ता है। पर्पस हो सकता है कि आप घर की कंस्ट्रक्शन या घर में इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, उसके कारण आप लोन लेना चाहते हैं। एजुकेशन, मैरिज या फिर मेडिकल इमरजेंसीज कैन आल्सो बी द पर्पस जिसके अगेंस्ट आपको लोन अवेल हो सकता है। ट्रेडिंग करने के लिए या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने के लिए आपको उन केसेस के अंदर आपको लोन ग्रांट नहीं होता है। अगर हम लोन पे लगने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये इंटरेस्ट रेट होम लोन से करीबन 1.5-3% तक ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में हम बात करें होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.5-8% के बीच में, तो आपको लोन करीबन 8-10% के बीच में मिलेगा। क्या इंटरेस्ट रेट रहता है ये टाइम टू टाइम कंपनीज बताती रहती हैं, पब्लिश करती हैं और वेरी करेगा। सो आपके केस के अंदर कितना इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है आपको इंश्योरेंस कंपनी पे जाके पता करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन से कम रहता है। जैसे अगर आज की डेट में बात करें तो टिपिकली पर्सनल लोन 12-15% के बीच में रहता है, और आप देख सकते हैं कि आपको इससे 2-2.5% का कम रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि अगर आप एक होम कंस्ट्रक्शन के लिए या होम इंप्रूवमेंट के लिए लोन लेते हैं, तो अगर आपने मार्केट से, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, तो उसके ऊपर देने वाले ब्याज के ऊपर आपको रिबेट मिलती है, लेकिन इस केस में वो रिबेट नहीं मिलती है, और इसको वीडियो में हम आगे भी कवर करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि आप ये समझिए किस चीज के लिए लोन ले रहे हैं, कितने लोन की जरूरत है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, बिफोर यू आर गोइंग अहेड एंड अप्लाइंग फॉर लोन अगेंस्ट योर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब अगर हम बात करते हैं लोन के टेन्योर की, यानी कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको लोन मिल सकता है, तो मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 6 months होती है, यानी कि कम से कम आपको 6 महीने का लोन लेना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम आपका जो पॉलिसी का टेन्योर है उस ड्यूरेशन के लिए आपको लोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पॉलिसी है जिसका पॉलिसी ड्यूरेशन है या पॉलिसी टेन्योर है 15 साल का, और 10 साल हो गए इस पॉलिसी को रन करते हुए, तो आपको 5 साल के लिए लोन का टेन्योर मिल सकता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि लोन लेते टाइम आपको कितना पैसा आपको लोन के रूप में मिल सकता है, तो ये डिपेंड
डिपेंड करता है मैक्सिमम 90% ऑफ योर सरेंडर वैल्यू। देखिए डिपेंड करेगा, अगेन कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, कुछ कंपनी 80-85% तक का लोन देती हैं और अगर आप बैंक में इसको एज अ कोलेटरल देते हैं तो वो भी करीबन 80-85% तक का आपको लोन देते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी सरेंडर वैल्यू। मगर LIC के केस में बात करते हैं तो वहां पे आपको मैक्सिमम 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू तक का लोन मिल सकता है। अब कुछ एग्जांपल की मदद से इसको थोड़ा बेटर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने HDFC लाइफ के संचय पर एडवांटेज प्लान का, जहां पे हमारा एक साल का प्रीमियम है करीबन 1,00,000 रुपए। अब आप इलस्ट्रेशन के अंदर देखेंगे कि आप 1,00,000 रुपए का प्रीमियम 8 साल तक पे करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी पॉलिसी एक सरेंडर बेनिफिट यानी कि सरेंडर वैल्यू एक्वायर करती रहती है। 10 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी पॉलिसी की सरेंडर बेनिफिट करीबन 8,00,000 रुपए से लेकर 9,25,000 रुपए के बीच में होंगी, डिपेंडिंग अपॉन कितना कैश बोनस कंपनी डिक्लेयर करती है। और उसके अकॉर्डिंगली आपको 8.5-9,00,000 रुपए के बीच में लोन मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी अगेन 85% आपको लोन ग्रांट करती है या 90% लोन ग्रांट करती है। LIC का भी एक इलस्ट्रेशन मैंने लिया हुआ है, LIC का बचत प्लस प्लान लिया है। यहाँ पे मैंने प्रीमियम काफी ज्यादा रखा है, 5.5 लाख रुपए साल का प्रीमियम रखा है, ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि आपको जो सरेंडर बेनिफिट है या सरेंडर वैल्यू है वो आपके प्रीमियम जो आपने पे किया होता है उससे काफ़ी कम होती है। आप देखेंगे 4 साल में आपने करीबन 22 लाख रुपए पे किए हुए हैं और आप अगर सरेंडर बेनिफिट की बात करेंगे तो करीबन 11 लाख रुपए आता है, यानी कि अगर आप इसके अगेंस्ट लोन लेने जाते हैं 4 साल के बाद तो आपने 22 लाख रुपए पे किए हैं लेकिन आपको लोन करीबन सिर्फ 10 लाख रुपए का मिलेगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि जितना आपने प्रीमियम पे किया है उससे कम आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी और सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट लोन की कैलकुलेशन कैसे होती है आई होप उसका भी आपको आइडिया लगा होगा। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, लोन के रीपेमेंट की। लोन को हमने अप्लाई किया, लोन को हमने अवेल किया, यूज़ किया, अब उसको वापस भी तो करना है, लोन के हमें रीपेमेंट भी तो करनी है। ये हमें मालूम है लोन के दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक रहता है प्रिंसिपल यानी कि मूल और एक रहता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। प्रिंसिपल तो वही अमाउंट हुआ जिसके लिए हमने लोन अप्लाई किया था, अगर हमने 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया तो 10 लाख रुपए हुआ हमारा प्रिंसिपल और ब्याज हुआ इसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट। अब बात आती है रीपेमेंट की। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर 6 महीने में होती है और आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट को वापस करना पड़ता है, जो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहें इंटरेस्ट को कंपनी को देके अपने इंटरेस्ट कंपोनेंट का टेक केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल को आप कभी भी पे ऑफ कर सकते हैं, जब चाहें जितनी जल्दी चाहें जितनी जल्दी हो सके आप प्रिंसिपल को पे ऑफ कीजिए ताकि आपके पास इंटरेस्ट का बर्डन उतना कम रहे। लेकिन इस चीज़ के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल को पूरा पे ऑफ नहीं कर पाए तो क्या होगा, या फिर जिसने लोन लिया है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। देखिए अगर आप प्रिंसिपल को मैच्योरिटी की पॉलिसी की मैच्योरिटी तक पे ऑफ नहीं करते हैं तो पॉलिसी की मैच्योरिटी के टाइम पे जितना भी पैसा आउटस्टैंडिंग रहेगा आपके लोन के अगेंस्ट वो सारा उसमें से डिडक्ट हो जाता है और बाकी पैसा एज अ मैच्योरिटी प्रोसीड आपको दे दी जाती है। जैसे अगर आपने पॉलिसी की आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है टोटल 25 लाख रुपीज और आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रह जाता है 2 लाख रुपए तो आपको 23 लाख रुपीज का एज अ मैच्योरिटी प्रोसीड आपको दे दिया जाएगा। दूसरा केस हम कर रहे थे कि अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी और उन्होंने इसके अगेंस्ट लोन ले रखा है, उस केस में भी जो डेथ क्लेम है उसके अंदर से आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा और बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी इंश्योरेंस थी अगर 1 करोड़ रुपए की और अगर मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम के ऊपर आपको 1 करोड़ मिलना था, उसमें से यही 2 लाख रुपए माइनस करके 98 लाख रुपीज एज डेथ क्लेम मिल जाएंगे। सो ये चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कितना हमारे पास लोन की कितना हमारे पास लोन के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, कब कहूँ उसके रीपेमेंट कर रहे हैं। मैं हमेशा 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 एक स्ट्रेस करूंगा, लोन को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कीजिए। ये मत देखिए कि 4% या 5% या 6% का लोन है, इट इज ऑलवेज यूर पेइंग ओवर एंड अबव व्हाट यू हैव बोरोड। आप अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसा डाल रहे हैं और जब आप लोन को जल्दी खत्म कर देंगे जो पैसा उससे बचता है उसके इन्वेस्टमेंट से आप देखेंगे कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फायदे और नुकसान क्या हैं लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के। सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। 6 फायदे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहला है कि आप एक सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। देखिए जब हमने इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया है तो हमने पैसा ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को अपना दे रखा है, उनके पास ऑलरेडी हमारा सिक्योर्ड मनी पड़ा हुआ है, तो जब आप उसके अगेंस्ट लोन लेने जाते हैं तो बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं होते हैं, आपको आराम से लोन मिल जाता है। अगर आप इसको एज ए कोलेटरल भी देते हैं बैंक के अंदर उसके अगेंस्ट भी लोन लेते हैं तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन में आपको लोन ग्रांट हो जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्विक डिस्पर्सल रहता है, ज्यादा सिबिल क्वेरी नहीं होती है इसके अंदर। इनफैक्ट क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी आपका पैसा है तो यहाँ पे ये देखने की जरूरत नहीं है कि आप लोन की रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं। अगर आपने लोन को रीपे नहीं किया तो उन्होंने मैच्योरिटी प्रोसीड या डेथ प्रोसीड में से पैसे को काट लेना है और बाकी पैसा आपको दे देंगे, तो कंपनी के पास काफी गारंटी रहती है क्योंकि उनके पास पैसा आपका ऑलरेडी आ गया है। थर्ड हम बात करते हैं फायदे की, तो तीसरा फायदा है नो प्रोसेसिंग फीस। अगर आप लोन को अप्लाई करना चाहते हैं किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू तो वो 1% आधे% की आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं जो कि इस केसेस में निल होती है। आप
अप्लाई करते हैं लोन के लिए, लोन डिसबर्स हो जाता है, आपको कोई ओवर एंड अबव दोज चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। चौथे फायदे की बात करते हैं तो वो आता है लोअर इंटरेस्ट रेट। जैसा मैंने आपसे शेयर किया था कि लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट आपके पर्सनल लोन के रेट के अगेंस्ट कम से कम 2.5-3% कम रहता है, यानी कि आप ब्याज कम पे कर रहे हैं, यानी कि आपके पॉकेट से कम पैसा बाहर जा रहा है ओवर एंड अबव जो आपने प्रिंसिपल पे करना है, तो आप पैसे को बचा के पैसे को बढ़ा सकते हैं। पांचवें बेनिफिट की बात करूँ तो यह है कि ईज ऑफ रीपेइंग योर लोन। अगर आपने कभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एक बैंक से या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो आपने देखा होगा एक प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं, यानी कि अपना ही पैसा मुझे वापस करने के लिए या अपना लोन मेरे को जल्दी खत्म करने के लिए मुझे चार्जेस देने पड़ते हैं, जो अगेन टिपिकली 1% से लेकर 2% के बीच में वेरी करते हैं। इस केस में आप कभी भी प्रिंसिपल को पे ऑफ करके खत्म कर सकते हैं और आपको कोई भी ओवर एंड अबव दी नॉर्मल कोई भी ओवर एंड अबव चार्जेस नहीं लगते हैं। लास्ट अगर फायदे की बात करें तो ईज ऑफ एप्लीकेशन। आप सिंपल एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका लोन बहुत जल्दी डिसबर्स हो जाता है, और आज की डेट में आप ऑनलाइन भी जाके, इंक्लूडिंग LIC की साइट पर भी ऑनलाइन जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को उनकी ब्रांच में ले जाके वहां से डिसबर्स करा सकते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है कि आप इसके रीपेमेंट को भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, एंड दैट ऑल मेक्स इट वेरी वेरी गुड और वेरी इजी एंड वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट लोन को प्रेफर कर सकते हैं। अगर मैं नुकसान की या नेगेटिव्स की बात करूं कि लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, तो तीन चीजों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको जो लोन है ये सिर्फ 3 साल के बाद मिलेगा जब से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट हुई है, तो यानी कि कम से कम आपके 3 साल बीत जाने चाहिए, आपने 3 साल की पेमेंट कर दी होगी प्रिंसिपल को, तभी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन मिल पाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो लोन का अमाउंट आपको मिलेगा वो लोन का अमाउंट काफी कम रहता है एज कम्पेयर टू आपने कितना पैसा जमा कराया हुआ है उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। जैसा हमने देखा था कि जितना पैसा आपने, जितना टोटल प्रीमियम पे किया होता है, उससे उसके अकॉर्डिंगली आपका आता है कि हाँ सरेंडर वैल्यू है, और उस सरेंडर वैल्यू का 90% लोन ही आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता होगा कि आपने 1-1 लाख रुपए देके 10 साल में 10 लाख रुपए पे किए हैं, तो आपको 10 लाख रुपए का लोन नहीं मिलेगा, लोन करीबन 6-6.5 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं मिलेगा उस केस में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उस इंटरेस्ट पेमेंट के अगेंस्ट में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। सो अगर आप एक घर लेने जा रहे हैं तो आप एक होम लोन लीजिए एज अपोज टू टेकिंग अ लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज होम लोन लेने पे एक तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा और दूसरा आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके अगेंस्ट भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो कि इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सो प्लीज़ ये देखिए कि किस पर्पस के लिए आप लोन को ले रहे हैं और वो पर्पस क्या आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है या नहीं दे रहा है, और उसके अगेंस्ट आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ को वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं जितना हो सकेगा उस सवाल को जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जल्दी एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।